हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्कर्ष 2.0 के बारे में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा 30 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया सेकेंड फेज सेंट्रल बैंक मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फॉर स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी मैकेनिज्म, जिसको नाम दिया गया दैट इज उत्कर्ष 2.0। उसके साथ साथ जहाँ पे बात करें जो फर्स्ट स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क था उत्कर्ष 2022 का, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 2019 से लेकर 2022, जिसको लॉन्च किया गया जुलाई 2019 को। इसके साथ साथ इट बिकेम अ मीडियम टर्म स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट गाइडिंग द बैंक प्रोग्रेस टूवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ एंड आइडेंटिफाइड माइलस्टोन्स। उत्कर्ष 2.0 की अगर बात करें, लाइक द उत्कर्ष 2022, इसके जो 6 विजन स्टेटमेंट्स हैं एज वेल एज कोर पर्पस, जिसमें वैल्यूज मिशन स्टेटमेंट्स कलेक्टिवली दे क्रिएट अ स्ट्रेटजिक गाइडिंग पाथ। आप जहां पे देख सकते हैं जो विजन है उत्कर्ष 2.0 का, दैट विल गाइड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ 2023 से लेकर 2025 तक ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किस बेसिस के ऊपर गाइड करेगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सलेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ इज स्टेट्यूटरी एंड फंक्शन अदर फंक्शंस। सेकेंडली बात करें जो स्ट्रेंथन करेगा ट्रस्ट ऑफ सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन द आरबीआई। थर्ड बात करें इन्हेंस्ड रेलिवेंस एंड सिग्निफिकेंस इन नेशनल एंड ग्लोबल रोल्स। उसके बाद ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल एंड एथिक्स ड्राइवन इंटरनल गवर्नेंस। उसके बाद इसके साथ साथ और इसका क्या विजन होगा, बेस्ट इन क्लास एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और उसके साथ साथ इसका नेक्स्ट विजन जो रहेगा वो रहेगा इनोवेटिव डायनेमिक एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये आप देख सकते हैं आरबीआई की तरफ से जो लॉन्च किया गया उत्कर्ष 2.0, इसका जो पीरियड रहेगा टाइम पीरियड 2023 से लेकर 25 तक, और इसका जो विजन रहेंगे ये इस तरीके से रहेगा, किस तरीके से ये आरबीआई को गाइड करेगा। अब थोड़ा सा जहां पे मैं आपको आरबीआई के बारे में बता देना चाहता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर, और इसकी जो फंक्शनिंग स्टार्ट होती है ये 1 अप्रैल 1935 से स्टार्ट होती है। और बैंकों को इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया जो 1949 को किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके साथ साथ इसके पास पावर होती है टू रेगुलेट बैंक्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और उसके साथ इट हैज़ अ पावर टू रेगुलेट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसमें अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर, ठीक है। और आरबीआई इज आल्सो रेगुलेटर ऑफ द डिजिटल पेमेंट सिस्टम अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, और इसका हेडक्वार्टर है आरबीआई का मुंबई के अंदर, और करंट में अभी गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास। तो ऑल अबाउट आरबीआई के बारे में मैंने आपको बता दिया, और आरबीआई के द्वारा जो लॉन्च किया गया है उत्कर्ष 2.0 को फॉर द पीरियड ऑफ 2023-25 काफी इंपॉर्टेंट आपके सभी एग्जाम्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।